साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मर लाइफ में। साथियों आज हम बात करेंगे फरवरी माह में जब आम के पौधों में फूल निकलने लगता है उस समय हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो साथियों वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप साथियों आप देख पा रहे हैं ये हमारी आम की बाग है जो कि फरवरी का महीना चालू हो गया है और आप देख पा रहे हैं हमारी बाग किस तरीके से हरी भरी है। साथियों अब हमें ये देखना है, आम के पेड़ के नीचे जाना है आपको और आम के कल्ले ब्रांचेस को देखना है कि जिस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कुछ फूल आपको दिखाई पड़ रहा है। ये ऐसा मत सोचना है कि ये आम के नए पत्ते निकल रहे हैं या कोई और चीज़ है। साथियों ये हमारे फूल आने का समय है और ये धीमे धीमे से फूल निकलना शुरू हो गया है। साथियों हमें ध्यान देना है कि ये महीना चालू हो गया है और इस महीने में हमें तुरंत कौन सा स्प्रे करना है जो कि हमारी बाग में फूल अच्छी तरीके से आए और खूब ज़्यादा आए। साथियों तो आप नोट कर लीजिए, साथियों इसमें आपको बहुत हार्ड एक स्प्रे करना है क्योंकि ये पहला स्प्रे आपका रहेगा। साथियों इसमें आपको लेना है सल्फ़र, सल्फ़र आपको लेना है 3 से 4 किलो 2000 लीटर पानी के लिए। और साथियों इसमें आपको 1 से 1.5 लीटर लेमडा लेनी है। साथियों दोनों सामग्री को आपको अच्छी तरीके से अपने टैंकर में मिलाना है, मिला करके जब मौसम सही हो, कहने का मतलब है अच्छी धूप होनी चाहिए, उस समय आप पेड़ को अच्छी तरीके से धुल दीजिए। धुलने के बाद साथियों आपको ध्यान देना है जब तक आपकी बाग में पूरी तरीके से फूल ना आ जाए तब तक अपनी बाग में किसी प्रकार की सिंचाई नहीं करनी है। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।